हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक वंस अगेन टू योर जीके क्लास. आई अजय सिंह वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन टू योर जीके क्लास. सो स्टूडेंट्स, सो अगेन आई एम हियर विद यू टू स्टार्ट विद द जीके सिलेबस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ अवर जीके एंड वी हैव ऑन अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5, दैट इज आर्ट्स एंड म्यूजिक. ओके, तो हमने ऑलरेडी उसका एक टॉपिक कर लिया है. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ द फिफ्थ यूनिट, दैट इज म्यूजिक टू द ईयर्स. सो काइंडली ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर, दिस इज 22, म्यूजिक टू द ईयर्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो लेट मी जस्ट राइट इट, म्यूजिक टू the, कहती है क्लियर नहीं है. ओके, लेट मी राइट इट अगेन. द टॉपिक इज म्यूजिक टू द ईयर्स. दिस इज अवर सेकेंड टॉपिक, सॉरी, दिस इज टॉपिक अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 5, गिवन एट पेज नंबर 22. ओके, म्यूजिक टू द ईयर्स गिवन एट पेज नंबर 22. इसका मतलब क्या है म्यूजिक टू द ईयर्स? मतलब देखो, आपको पता है म्यूजिक से आपको समझ में आता है कि अलग अलग म्यूजिक्स होते हैं. ठीक है, रॉक म्यूजिक, जैज म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, गजल, मतलब लॉट्स ऑफ म्यूजिक आर देयर. उसके अलावा आपको जैसे म्यूजिक होते हैं, वैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. ओके, सो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी खुद की आवाज होती है. ड्रम अलग है, ट्रम्पेट अलग है, वायलिन अलग है, हारमोनिका. आपने बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम उन्हीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हैं जो डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. आइडेंटिफाई ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग द क्लूज गिवन. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. सो एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर, आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, प्लस उनके बारे में कुछ ना कुछ क्लूज दिए हुए हैं, और हमें उस क्लूज को रीड करके बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज, आई एम अ पेयर ऑफ स्मॉल ड्रम्स फंडामेंटल टू द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एक पेयर है ड्रम्स का. ओके, दिस इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ड्रम्स. ओके, और इसमें जो म्यूजिक है वो दैट इज जो ये वाला जो इस इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूजिक है दैट इज मोस्टली पॉपुलर इन इंडिया, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश एज वेल. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला. सो राइट डन द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज तबला. TABLA, तबला. तबला बेटा, जैसे आपने देखा होगा दो अलग अलग ड्रम्स होते हैं, एक थोड़ा पतला सा होता है, एक थोड़ा बड़ा सा होता है, एंड दे जस्ट मेक इट लाइक दिस. ठीक है, उसको इस तरह से है जो उसकी क्या बोलते हैं, हम बजाते हैं वो लोग. ओके, सो दैट इज तबला. वो किसको क्या बोलते हैं? तबला. ओके, सो सेकंड वन इज, ओके, सो अदर देन दिस, ये तबला एक बहुत ही कहते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, जो क्लासिक फॉर्म्स है हमारी इंडियन म्यूजिक की, उसमें ज्यादा यूज होता है. एंड अदर देन दैट, जो ये तबला है इसमें आपने देखा होगा बहुत बार, जाकिर हुसैन साहब जो है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर. ओके, सो दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन, आई एम अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई एम ऑल्सो नोन एज द फिडल, एंड इट इज बिलीव दैट आई ओरिजिनेटेड इन इटली इन द 16th century. तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है. स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में जिसके पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तार लगी हुई है, एक पतली सी लोहे की तार होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. ओके, बहुत ही मजबूत होती है. तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ, एक पतली सी लोहे की तार लगी हुई, जिसकी हेल्प से वो म्यूजिक है जो प्ले करते हैं, जो उसमें से म्यूजिक है, जो धुन है, जो उसकी जो निकलती है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की. और इसका दूसरा नाम, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
ओके ओके, मैं आपको पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम बताती हूँ. द नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ वायलिन. इट्स अ वायलिन. तो अदर नेम ऑफ द वायलिन इज फिडल. तो फिडल और वायलिन बोथ आर द नेम, सेम नेम, ठीक है, सेम थिंग्स. ओके, तो जो वायलिन है उसका सेकेंड नेम क्या है? फिडल. द सेकेंड वन इज, और ये माना जाता है कि जो वायलिन है, जो वायलिन इंस्ट्रूमेंट है, वो स्पेशली, जैसे हम बता रहे कि तबला इज फ्रॉम इंडिया. ओके, स्पेशली इंडिया में आई थिंक इसकी जो इन्वेंशन हुई थी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, इंडिया में हुई थी. तो उसी तरह जो वायलिन है उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो कौन सी कंट्री में हुई थी? इट इज इन्वेंटेड इन इटली. तो ये माना जाता है कि इटली में ही जो म्यूजिकल 16th सेंचुरी में इटली में इस वायलिन की आविष्कार हुआ था, इसकी इन्वेंशन हुई थी. जो म्यूजिक वहाँ पे जो म्यूजिक पर्सनालिटीज थी, मतलब जो म्यूजिक रिलेटेड लोग थे, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं, इन्वेंशन की थी. ठीक है, तो प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ म्यूजिक. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड द अदर नेम फॉर द वायलिन इज फिबल, फिडल, FIDDL, फिडल. सो द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वायलिन. राइट डाउन द आंसर, VIOLIN, वायलिन. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. थर्ड देखिए, I am a common to music traditions of India and Pakistan. I originated from the rabab, an instrument from Afghanistan. Okay, so जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान की ओरिजिन है. मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान में इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जो इन्वेंशन हुई थी. ओके, और ये जो एक आपने सुना होगा बेटा रबाब का म्यूजिक, ये एक तरह से ना बड़ी सूफी टाइप से म्यूजिक होता है, कि छोटा सा एक आपने देखा होगा, वो यहाँ पे रख के इसको बजाते हैं. दैट इज मतलब दे जस्ट पुट इट लाइक दिस, मतलब ऐसे रखकर यहाँ पे बजाते हैं उसको. दैट देखो, वायलिन तो ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे बजाया जाता है. वायलिन इज प्लेड लाइक दिस, बाकी दिस रबाब है, उसको सपोज दिस इज अ रबाब, इट इज पुट लाइक दिस, और उसके ऊपर जो भी इसके स्ट्रिंग्स है, जो भी इसके प्ले करने के लिए जो भी होता है वो यूज किया जाता है. ओके, तो ये रबाब है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये मोस्टली जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेडिशंस है उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, और इस जो ये रबाब है, इसके ओरिजिन कहां से हुई थी? अफगानिस्तान. ओके, द रबाब इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इज द ओरिजिन ऑफ अफगानिस्तान, बट इट इज कॉमनली यूज्ड इन द इंडियन एंड द पाकिस्तानी म्यूजिक. जो इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक है, ठीक है, जो इंडियन क्लासिकल है, उसमें जो ये रबाब है, क्लासिकल नहीं आप कह सकते, मतलब जितनी म्यूजिक के नॉलेज नहीं है, बट एक जो हमारे कहते हैं जिसको बोलते हैं कि पुराने जो सॉन्ग्स थे उनमें जो ये रबाब है बहुत यूज किया था, आज भी यूज किया जाता है अलग अलग सॉन्ग्स में, सूफी सॉन्ग्स में इन रबाब की जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है. ओके, ये ओके जो रबाब नहीं है इसका नाम, इसका मतलब एक रबाब एक म्यूजिक का नाम है. जैसे हम कहते हैं जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, तो उसमें रॉक तो कुछ यूज, पत्थर तो यूज नहीं होता ना. रॉक म्यूजिक मीन्स जो एकदम कहते हैं ना, एकदम हम कहते हैं कूल वाला म्यूजिक. ओके, सो वैसे रबाब इज काइंड ऑफ सूफी टाइप ऑफ म्यूजिक, एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू प्ले दिस रबाब म्यूजिक इज नोन एज सरोद. इट इज नोन एज सरोद, SARODD. ओके, SARODD. सो द आंसर ऑफ योर थर्ड इज सरोद. रबाब इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक. ओके, सो रबाब म्यूजिक होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी मूवीज में या कभी वेब सीरीज वगैरह जो होती है उसमें देखते हैं ना, कि कभी कभी दुबई वगैरह की होती है, वहां पे एक अलग अजीब से है म्यूजिक चलता रहता है, एक अपने ही उर्दू लैंग्वेज में, तो वो एक सूफी टाइप सा म्यूजिक उनका चलता रहता है, उसमें जो रबाब, उसको रबाब बोला जाता है. ओके, और उस म्यूजिक में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है दैट इज सरोद, SARODD, सरोद. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन. I am a wind instrument generally made of brass. I am often used in jazz music. Okay, so the next instrument that we are talking about here is used in jazz music. Okay, this is the answer of first, second, third. Okay, so the next instrument that we are talking about here is used in jazz music. Ye jazz music mein use kiya jata hai. Okay, aur what is the name of this? Instrument, this its name is trumpet. Its name is trumpet. Okay, let me write the answer, then I'll tell you the in detail about the trumpet. So the answer of your fourth here, the fourth blank is trumpet. T R U M
PET ट्रम्पेट, आपने शादी ब्याह में भी देखा होगा, वो इतना लंबा सा एक होता है, ब्रास का बना हुआ एक लंबा सा होता है, वो बजाते बजाते हैं, दैट इज द ट्रम्पेट, जिसको हम बाजा ही बोलते हैं, या तो नॉर्मली तो हम बाजा ही बोलते हैं उसको, ओके. सो ट्रम्पेट होता है ये ब्रास का बना हुआ एक लंबा सा वो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसमें दो अलग से पाइप्स निकलती है, यू शेप से, एक बड़ी एक छोटी, और जो ब्लो करते हैं उसमें हवा, उसके ऊपर जो अलग अलग जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसकी उसकी मूवमेंट से जो उसमें से म्यूजिक निकलता है लाउड, या जैसे भी जो म्यूजिक चेंज होता है, जैसे भी होता है. सो दैट इज अ ट्रम्पेट, जिसकी आवाज है बहुत ही लाउड होती है, जो जो ट्रम्पेट है उसकी द वॉइस ऑफ ट्रम्पेट इज वेरी लाउड, ओके. एंड ही मोस्टली जैज म्यूजिक जो होते हैं, जैज म्यूजिक मीन्स मुझे जैज म्यूजिक की एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, ओके. जैसे इफ यू हैव एवर सीन द ओम शांति ऑफ म्यूजिक, ओम शांति ऑफ मूवी, तो उसमें एक जो मिक्स मेलेडी सॉन्ग है उसमें जो जैज म्यूजिक यूज किया गया है, ओके. सो दैट इज द जैज म्यूजिक, ओके. द नेक्स्ट वन इज I produce sounds from the wind vibrations when a player blows into me. I am known as a mouth organ. Yes, the next instrument जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा instrument है जिसके अंदर की जो music निकलता है वो winds की vibration, जो हवा है उसकी vibration की वजह से निकलता है, ओके. सो जो प्लेयर है, जब उसके अंदर विंड ब्लो करता है, मतलब हवा अपने मुंह से जब उसमें वो डालता है, तो वो उससे एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ओके. जिसको कि माउथ ऑर्गन भी बोला जाता है. आपने कभी देखा होगा कि इसको स्पेशली ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे करके प्ले किया जाता है, ओके. दैट इज अ माउथ ऑर्गन, ओके. सो उसको हारमोनिका भी बोला जाता है, माउथ ऑर्गन उसका सेकेंड नेम है, ओके. और इसमें जो प्लेयर है, जब उसके अंदर हवा फूक, जब उसकी फूक मुंह से जब वो हवा ब्लो करता है उस क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसकी जो विंड्स की वाइब्रेशंस होती हैं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे वो करके हमने देखा होगा कई बार, तो वो करते, वो हवा ब्लो करने का तरीका होता है, ठीक है. मतलब वो एक तरीके से हवा करता है जिसकी वजह से जो साउंड्स है जो उसमें प्रोड्यूस होती है, जिससे कि म्यूजिक जो है निकलता है उसमें से, ओके. सो इसका, इसको माउथ ऑर्गन भी बोला जाता है. एंड द सेकंड नेम ऑफ दिस ऑर्गन इज, सॉरी, दिस इंस्ट्रूमेंट इज माउथ ऑर्गन. एंड इसका नाम क्या है, दैट इज हारमोनिका, दैट इज हारमोनिका, दैट इज द फिफ्थ वन, एच ए आर एम ओ एन आई सी ए, हारमोनिका. दिस इज द आंसर ऑफ योर fifth question, that is harmonica. The last one here we are talking about is, I have a small frame drum. I am played with the bare hands and often have jingles or the pellets bells attached to me. Okay, so that is, okay, so the next musical instrument हमने बात की, that is in the shape, वो एक round shape में एक थाली की तरह होता है, जो थाली में side से निकले होते हैं ना ऊपर ऊपर, तो वैसे उसकी भी shape होती है, but उसके ऊपर जो थाली का जो base होता है उसकी जगह वहां पे एक वो उसी के help से जो उसमें music produce होता है, उसके साथ उसमें side में कुछ अलग अलग से जो silver से color के एक क्या बोलेंगे उसको हम, जिंगल्स बोल लीजिए अकॉर्डिंग टू बुक, जिंगल्स जो जिंगल्स हैं जब उसको बजाते हैं, व्हेन इट इज प्लेड लाइक दिस, ओके. आई विल जस्ट टेल यू विद एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज दिस इज अ हार्मोनिका, सॉरी दिस इज अ व्हाट डू कॉल इट, इट टैम्बोरिन, टैम्बोरिन, इसको ऐसे ऐसे बजाया जाता है उसमें आवाज, उसके आसपास जो गो दैट इज इन सर्कुलर शेप में होता है, गोल शेप में होता है, और उसके साइड साइड में कुछ जो जिंगल्स भी लगे होते हैं, जिसके दोनों के, आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी जब प्रेयर होती है उस टाइम पे भी यूज होता है, ओके. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज टैम्बोरिन, दैट इज टैम्बोरिन, आई जस्ट राइट इट डाउन, टी ए एम बी ओ U R I N E, tambourine. So this is the musical instrument that we are talking about. Okay, so these are the various musical instrument that we have discussed. The first one is the tabla, T A B L A. Second one is violin, V I O L I N, violin. Third one is sarod, S A R O D, sarod. Fourth one is trumpet,
T-R-U-M-P-E-T, trumpet. The fifth one is harmonica, H-A-R-M-O-N-I-C-A, harmonica. The last one is tambourine, okay, T-A-M-B-O-U-R-I-N-E, tambourine. Okay, so this was our page number 22, music to the ears. So with this, our fifth unit is finished, okay. So moving next to the next topic, that is unit 6. So, okay, the next unit is related with the sports. जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इस यूनिट में हम सब कुछ जो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बारे में, स्पोर्ट्स जो हैं वो, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं वो, सबके बारे में. ओके, सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट 6, दैट इज स्पोर्ट्स. सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 20, दैट इज स्पोर्ट्स स्टार्स. So here today we are going to talk about the various sports stars of various sports. जो अलग अलग खेल हैं, जो अलग अलग गेम्स हैं, जो उनके स्टार्स हैं, उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स स्टार्स हैं. ओके, सो द टॉपिक इज स्पोर्ट्स, S-P-O-R-T-S, स्पोर्ट्स स्टार, गिवन एट पेज नंबर 20. ओके, सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस स्पोर्ट्स स्टार्स, हैं उनके बारे में बात करेंगे. ओके, तो ये स्पोर्ट्स स्टार्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता है बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, जिनके इसमें नेम्स हैं कुछ दे या तो फेमस वंस. ओके, सो इससे पहले, जब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कह सकते हैं, कि अभी अभी हमने रिसेंटली एक न्यूज सुनी है जिसमें कि हमारे जो दो क्रिकेटर्स हैं, दे हैव टेकन द रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट. वन ऑफ द मीन्स वन ऑफ द बेस्ट इंडियन, ही इज द बेस्ट इंडियन, वॉट वी कॉल इट, कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, एंड ही इज MS धोनी, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, एंड द सेकेंड वन इज सुनेश रैना. सो दे हैव बोथ हैव टेकन द रिटायरमेंट एज यू नो फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, बट दे आर गोइंग टू प्ले द IPL ओनली. नाउ दे आर गोइंग टू प्ले द IPL ओनली. Okay, so this is the latest one I'm telling about, that our two players, the first one is MS Dhoni and the second one is Suresh Raina, they have taken the retirement. Okay, क्योंकि हम इसका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बताएं, अगर इसको नहीं पता होगा तो उनको पता लग जाएगा, इनको पता है तो दैट इज वेरी गुड. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. यस, द फर्स्ट वन इज, ओके, सो एज यू कैन सी दैट देयर द पिक्चर्स इज गिवन, इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, वेरियस स्पोर्ट्स स्टार्स की पिक्चर्स दी हुई हैं. ओके, एंड यू हैव टू टेल देयर नेम्स. तो आपकी जो क्वेश्चंस जो बुक एग्जाम्स में आएंगे, तो बेटा वहां पे आपको पिक्चर्स नहीं दी हुई आएंगी. हियर दे विल आस्क राइट द नेम ऑफ टू क्रिकेटर्स, राइट द नेम ऑफ वन फेमस इंडियन फुटबॉलर. ओके, राइट द नेम ऑफ टू लॉन टेनिस प्लेयर, और क्वेश्चन आ सकता है विद विच स्पोर्ट्स सेरेना विलियम्स इज एसोसिएटेड, विद विच स्पोर्ट्स मैरी कॉम इज एसोसिएटेड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. बट ऐसे ये मत सोचना कि पिक्चर वर्क है तो आएगा नहीं, एसोसिएशन वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है. ओके, बिकॉज इज GK, कोई आपका इंग्लिश का हार्ड एंड फास्ट रूल वाला कोई चैप्टर नहीं है कि इसमें अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही लगेगा. नो, इसमें क्वेश्चन बोल्ड करके आएंगे, बिकॉज दिस इज GK, दिस इज जनरल नॉलेज, जो कि आपको होनी चाहिए. ओके, so let's begin with the first one. So what is the name of this famous sports personality, the first one, that is Sunil Chhetri, and he is Sunil Chhetri, and he is associated with which sports? Yes, in Sunil Chhetri is associated with football. He is a member of Indian football team hai jo, theek hai, uske jo player hain, he is a member of Indian football team and his name is Sunil Chhetri. For name of the first person as sports personality is Sunil Chhetri, S-U-N-I-L, Sunil Chhetri, C-H-H-E-T-R-I, Sunil Chhetri. Second one, who is the second one? The second person we you can see in your book, what is the name of this player? Okay, जैसे कि इनके बारे में अभी आपको मैंने बताया. No, he is not that person. Sorry. He is not that one. Okay. So the second person is, he is Rohit Sharma. And with which sports Rohit Sharma is associated? Rohit Sharma is associated with cricket. Okay. Rohit Sharma is associated with
क्रिकेट. सो द फिफ्थ स्पोर्ट्स रोहित शर्मा इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. सो द नेम ऑफ द सेकेंड स्पोर्ट्स स्टार गिवन इन द पिक्चर इज रोहित शर्मा. ही इज अ क्रिकेटर. द फर्स्ट सुनील छेत्री इज अ फुटबॉलर एंड रोहित शर्मा इज अ क्रिकेटर. थर्ड वन द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी इज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हिज नेम इज नोवाक डजोकोविक. नोवाक डजोकोविक एंड ही इज एसोसिएटेड विद टेनिस. और ये टेनिस से एसोसिएटेड है. इनकी जो कंट्री है यूरोगेरी ऐसे कुछ नाम है बेटा इसका. ओके सो ही इज एसोसिएटेड विद टेनिस लॉन टेनिस नॉट टेबल टेनिस. ही इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस. ओके एंड हिज नेम इज नोवाक डजोकोविक. Novak N O V A K. Novak Djokovic D J O K O V I C. Novak Djokovic. Fourth one. What is the name of this fourth sports personality whose name is given, whose picture is given in your book? His name is Luis Suarez. His name is Luis Suarez and he is a footballer. He is also a footballer. His name is Luis Suarez. Luis L U I S. Luis Suarez. S A U R E Z. He is also a footballer. He is not from India. Yeah, I think jisse Messi hai jis team se Argentina shayad and he is from that country. Okay. And his name is Luis Suarez. He's also a footballer. Next, the person whose picture is given in your book is what is the name of the fifth personality given in your book? He is Michael Jordan. He is a basketball player. His name is Michael Jordan. Fifth one is M. I C H A E L Michael Jordan J O R D A N. He is a basketball player. This is the name of the first five person. First जो आपके five personalities, sports personalities जिनके name है, the first one is Sunil Chhetri. He is associated with Indian football team. Second one is Rohit Sharma. He is associated with Indian cricket team. Second one is Novak Djokovic. He is associated with lawn tennis from Hungary. The fourth one is Luis Suarez. He is associated with football and he is from Argentina. The fifth one is Michael Jordan. He is associated with basketball. Okay, so you can just pause the video here and write down the solution. Okay. Moving next to the sixth one. Yes, the sixth personality, the lady whose picture is given here, she is Serena Williams. Okay, इसके बारे में तो I think सबको पता होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. Serena Williams, she is a very one of the best lawn tennis player and she has won several cups. Okay, for her country and her name is Serena Williams. They are sisters, Serena and her Venus Williams. They are sisters and they are associated with lawn tennis. The name of the sixth personality is given in your book is Serena Williams. Let me write down the answer of the sixth question. Serena S E R E N A. Serena Williams W I double L I A M S. Serena Williams. She is associated with lawn tennis. Is associated with lawn tennis. Next one, the next player given in your book is he is Sebastian Vettel. His name is Sebastian Vettel and he is a car racer. He is a car racer of Formula One Ferrari. Okay, so he is one of the best car racer of Germany. And his name is Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Sixth one, seventh one is Sebastian S E B A S T I N E. Sebastian T I A N T I
एन सेबेस्टियन बेचल, डब्ल्यू ई डबल टी डब्ल्यू ई डबल टी ई एल सेबेस्टियन बेचल, ही इज एसोसिएटेड विद फॉर्मूला वन कार रेसिंग, ओके एंड ही इज फ्रॉम जर्मनी. द नेक्स्ट पर्सन गिवन इन योर बुक इज द लास्ट इज शी इज व्हाट्स हर नेम, शी इज मैरी कॉम, मैरी कॉम एम सी मैरी कॉम, हर नेम इज मैरी कॉम एम ए आर वाई मैरी कॉम के ओ एम मैरी कॉम, हर नेम इज मैरी कॉम. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द नेक्स्ट थ्री पर्सनैलिटीज गिवन इन योर बुक गिवन एट पेज नंबर नंबर 6, 7 and 8. द फर्स्ट वन इज सेरेना विलियम्स, शी इज अ great lawn tennis player. Seventh one is the Sebastian Vettel, he's a car racer and his name of Formula One Ferrari. And the last one is MC Mary Gom, she's a boxer, she's an Indian boxer, she has won medal in the Olympics as well, and her name is Mary Gom, her name is MC Mary Gom. Clear? So these were the names of the famous sports personalities given in your book. Okay, so dekhiye iske niche diya hua hai. 1988 Steffi Graf won the gold slam, that is all four grand slams, French, Australia, US and Wimbledon, and an Olympic gold in the same year. She is the only tennis player so far to win the golden slam. Okay, so golden slam is associated with which sports? It is associated with lawn tennis. जो lawn tennis है उसमें golden slams ये बता अलग अलग है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना cups होते हैं, ऐसी मतलब सबको mostly even I myself like the cricket only. Okay, so जैसे cricket में बहुत सारे cups होते हैं, same like that there are several cups in cups या जो कह लो कि जो इनकी championships होती हैं in the lawn tennis also. तो देखिए in 1988 में जो स्टीफ ग्राफ हैं, उन्होंने गोल्डन स्लैम जीता था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप होता है हमारा, वैसे ही इन द लॉन टेनिस इट इज द गोल्डन स्लैम. ओके, शी इज अ गर्ल एंड हर नेम इज स्टेफी ग्राफ एंड शी हैज वॉन द गोल्डन स्लैम, दैट इज ऑल फोर ग्रैंड स्लैम्स. गोल्डन स्लैम्स होता क्या है, जैसे कि फोर चैंपियनशिप्स होती है, जो चारों की चारों चैंपियनशिप्स जीत जाए उसको बोलते हैं शी हैज वॉन द गोल्डन स्लैम. जो चैंपियनशिप्स होती हैं उसको स्लैम्स बोला जाता है. कौन कौन सी, फ्रेंच, समझ सो ना, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये जो होती है ये अलग अलग जो ओलंपिक्स होते, सॉरी जो अलग अलग लॉन टेनिस की जो गेम्स होती हैं, जो उनके चैंपियनशिप्स होती हैं, उनके नेम्स होते हैं कि समझ सुना होगा फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन एंड द विंबलडन ओपन. ठीक है, तो ये चैंपियनशिप्स होती हैं अलग अलग लॉन टेनिस से एसोसिएटेड होती हैं ये. ओके एंड उसके बाद कहते हैं जो स्टेफी ग्राफ है शी हैज वॉन द गोल्डन स्लैम, मतलब इन्होंने चारों के चारों जो ये स्लैम्स जीते थे इन 1988 में. एंड उसके बाद उन्होंने उसी साल ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड जीता था, शी हैज ऑल्सो वॉन गोल्ड इन द ओलंपिक्स ऑन द सेम ईयर. उसी साल उन्होंने ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता था एंड शी इज द ओनली टेनिस प्लेयर, वो इकलौती टेनिस प्लेयर है जिन्होंने कि आज तक गोल्डन स्लैम जीता है. Clear? And her name is Steffi Graf. Okay? So, this is the end of our topic of that is sports stars. Okay, so now I'm going to give you an assignment. Aapki assignment kya hai beta? That you have to paste the pictures of 10 different sports personalities in your GK notebook. Just remember one thing ki koi bhi same matlab sports se na ho, jaise ki बॉक्सिंग का हो गया, स्विमिंग के हो गए, फुटबॉल के हो गए, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, यू कैन पेस्ट एनी वन विच एवर इज हुएवर इज योर फेवरेट वन. तो आपको किसी भी 10 स्पोर्ट्स के जो कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है अलग अलग स्पोर्ट्स की, ठीक है, उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है अपने जीके की बुक में, जीके की नोटबुक में. दैट इज योर असाइनमेंट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज एन एक्टिविटी. Okay, so you have to paste the picture of the 10 sports stars related to different sports and paste it in your notebook. Okay, and whenever I ask you, just show me. Only on that basis, I'm going to give you the marks in activity. Okay,
तो देखिए स्पोर्ट्स कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही स्पोर्ट्स के हों, जरूरी नहीं कि आपको लेना ही अलग अलग है। दैट इज आप ले सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन एंड स्विमिंग एंड बॉक्सिंग, रेसलिंग, और बताइए, ये देखिए हमारे सामने भी है कार रेसिंग एंड बास्केटबॉल। सो लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर, सो यू कैन चेक द नेम्स एंड यू कैन जस्ट पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनीवन, एनी 10 डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, ऑफ डिफरेंट रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्पोर्ट्स, ओके। सो दिस वॉज अवर टूडेज सेशन क्लास एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन एवरीबडी हैव अ गुड डे।